तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो है OnePlus की ओर से। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने क्लाउड 11 इवेंट में अपने पहले टैबलेट OnePlus Pad को लॉन्च किया था। हालांकि कंपनी ने तब टैब की कीमतों की घोषणा नहीं की थी। कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी बिक्री शुरू नहीं की है। अब OnePlus Pad टैबलेट की कीमतों को Flipkart की दो अलग अलग लिस्टिंग में देखा गया है। ऑफिशियल OnePlus वेबसाइट के अनुसार OnePlus Pad इस महीने खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन सटीक तारीख अभी भी स्पष्ट नहीं है। OnePlus Pad दो स्टोरेज ऑप्शन 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज और 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज में आता है। पहली लिस्टिंग के मुताबिक OnePlus Pad के बेस वेरिएंट की कीमत ₹37,999 और टॉप 256GB मॉडल की कीमत ₹39,999 होगी। ये OnePlus के पहले टैबलेट को प्रतिद्वंद्वी Xiaomi Pad 5 और Samsung Galaxy Tab सीरीज की तुलना में काफी महंगा बनाता है। Flipkart लिस्टिंग में कुछ डील्स और डिस्काउंट की भी जानकारी मिलती है, जो प्लेटफॉर्म शुरुआती ग्राहकों को दे सकता है। OnePlus Pad SBI क्रेडिट कार्ड EMI लेन देन पर 10% की छूट और Flipkart Access बैंक कार्ड पर 5% कैशबैक के साथ उपलब्ध होगा। ये स्पष्ट नहीं है कि OnePlus Pad Amazon पर उपलब्ध होगा या नहीं। बता दें कि यह OnePlus का पहला टैबलेट है। OnePlus Pad में 11.61 इंच डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 2.5D कर्व्ड ग्लास, 144Hz की रिफ्रेश रेट, 2800x2000 रेजोल्यूशन, 296 PPI और 500 nits की ब्राइटनेस मिलती है। OnePlus Pad में 7:5 स्क्रीन और 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। OnePlus Pad में MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर और 12GB तक LPDDR5 RAM का सपोर्ट है। पैड को Android 13 आधारित UI के साथ पेश किया गया है। OnePlus Pad में स्मार्टफोन के साथ 5G सेल्यूलर शेयरिंग की सुविधा भी है। टैबलेट में क्वाड स्पीकर सेटअप, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया गया है। OnePlus Pad के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके साथ 13MP का सिंगल रियर कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। OnePlus Pad में 9510mAh बैटरी और 67W सुपरबुक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। टैब के साथ मैचिंग मैग्नेटिक कीबोर्ड और स्टाइलस भी मिल सकता है। मेरे ख्याल से अगर इसकी प्राइस 30,000 के अंदर आती है तो ये अपने सेगमेंट में धूम मचा सकता है, लेकिन 40,000 के हिसाब से ये थोड़ा कॉस्टली है। आप अपनी भी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।